हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी फैन फिक्शन। और आज मैं आप सबके साथ वेंसो फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो पर भी एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था लावेन गाना गाते गाते सो गया और फिर जब उसकी नींद खुली तब बहुत देर हो चुकी थी। वह जल्दी जल्दी उठ गया और अपने काम करने लगा। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजा तो वह जल्दी जल्दी डोर के पास गया। उसने पूछा, कौन है बाहर? तो किसी ने आवाज़ दिया और कहा, जाओ जीशु कहा है और तुम दरवाज़ा खोलो जल्दी। लावेन डर गया पर उसने कहा, बाहर इतने सारे गार्ड्स हैं, क्या आपने गार्ड्स को अपना परिचय दिया? फिर वो आदमी कहता है, मेरा परिचय ऑलरेडी सब जानते हैं, बस तुम नहीं जानते इसलिए दरवाज़ा खोलो। फिर लावेन डरते डरते दरवाज़ा खोल देता है और वो आदमी अंदर आ जाता है। अंदर आते ही वो कहता है, तो तुम हो लावेन, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। लावेन तो शक था, उसने कहा, क्या आप मुझे जानते हैं? फिर वो कहता है, हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें जानता हूँ और हेलो, मेरा नाम है ये बाई, मैं जाओजेशु का फ्रेंड हूँ, सबसे अच्छा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड हूँ। ओके, तो ऐसे ही खड़ा रखोगे मुझे या अंदर भी जाने दोगे? फिर लावेन कहता है, ऑफकोर्स प्लीज़ अंदर आइए। फिर दोनों अंदर जाते हैं। लावेन उसके लिए चाय बना देता है और सामने रखता है। चाय बहुत डिलीशियस थी, ये बाई बहुत खुश हो गया था। फिर ये भाई ये कहता है, जाओजेशु तो थोड़ी देर में आ जाएगा ना, श्याम कब तक आएगी? फिर लावेन कहता है, हाँ सर जल्दी आ जाएंगे और श्याम को आने में बस थोड़ी ही देर बाकी है, वो अभी आ जाएगी। इतने में ही डोरबेल फिर से बजता है और श्याम आ जाती है। श्याम आते ही ये भाई को देखकर उछल पड़ती है और कहते हैं, ये गग्गा अब आ गए, मेरे लिए क्या लाए हो? फिर ये भाई एक बैग से एक छोटा सा डॉल निकालता है और वह श्याम को देकर कहता है, तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। श्याम खुश हो जाती है और वह डॉल से खेलने लगती है। वो एक प्यारी सी छोटी सी बारबी डॉल थी। फिर लावेन कहता है, मैंने कभी आपके बारे में नहीं सुना, श्याम ने भी नहीं बताया, पर आपको मेरे बारे में कैसे पता है? फिर ये भाई कहता है, ऑफकोर्स साउजीशु ने बताया, वो तुम्हारी बहुत तारीफें करता है। फिर लावेन मन ही मन कहता है, उस डेविल को तारीफ़ें करना भी आता है, वाओ। फिर लावेन कहता है, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ स्नैक्स लेकर आता हूँ। सर आप क्या खाना पसंद करेंगे? फिर ये भाई कहता है, मुझे सर नहीं ये भाई कहो या फिर ये गगा। फिर लावेन कहता है, ओके ये गगा, बताइए आप क्या खाएंगे? फिर ये भाई कहता है, जो भी हो बस बना कर लो, वैसे भी मुझे भूख लग रही है, कुछ दिन मैं यही रहने वाला हूँ तो इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। फिर लावेन कहता है, ओके मैं अभी लाया। फिर लावेन जल्दी जल्दी जाता है, एक केक बनाता है छोटा सा और जल्दी जल्दी ले आता है। ये भाई केक खाता है तो वो बहुत खुश हो गया था क्योंकि केक सुपर डिलीशियस था। फिर श्याम कहती है, मेरे लिए क्या है? लावेन सेम साइज़ का एक और कपकेक निकालता है और श्याम को दे देता है और श्यांग भी वो खाकर खुश हो गई थी। और श्यांग फिर ज़िद करने लगी, उसे एक और चाहिए। फिर लावेन ने उसे एक और दे दिया बनाकर, पर उसने दो ही बनाया था इसलिए थोड़ी और देर लग गई थी। कुछ देर बाद साउजीशु घर आया और उसने आते ही ये भाई को देखा तो खुश हो गया। वो कहने लगा, ये तुम कब आए? ये भाई ने कहा, जब तुम घर पर नहीं थे और मैं लावेन से बातें कर रहा था। ये सुनकर जाओजेशु को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स महसूस हुआ, क्या लावेन तुमसे बातें कर रहा था? ये भाई कहता है, हाँ बहुत अच्छे से मुस्कुरा के बड़े प्यार से, क्यों लावेन किया था ना? लावेन अपना सर हल्के से हिला देता है हाँ में। जाओजेशु को थोड़ा गुस्सा तो आ रहा था पर दोनों ही उसके अपने थे, वो क्या कर सकता है। वो ये भाई के साथ बैठ गया और उसके साथ गप्पे करने लगा। फिर सब लावेन किचन में चला गया और श्यांग अपने कमरे में चली गई। तब साउजीशु ने चुपके से ये भाई को कहा, अब तुम जिस काम के लिए आए हो वो करो, मुझे आइडियाज़ दो। हाँ ठीक है,
तुम्हारे खुद के पास तो दिमाग है नहीं, तो तुम्हें दूसरों से उधार लेना पड़ेगा। चलो मैं दे ही दूंगा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? फिर जाओ जिशु कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? फिर ये भाई कहता है, क्या चाहिए वो तो मैं बाद में मांग लूँगा, पर पहले तुम आइडिया ले लो। फिर आशु कहता है, ओके। तो फिर ये भाई कहता है, धीरे धीरे किचन में जाओ और उसे बड़े प्यार से पूछो मेरे साथ शॉपिंग चलोगे? शॉपिंग? बिल्कुल नहीं, मैं उसे घर से बाहर कभी नहीं निकलने देता। फिर ये भाई कहता है, इसी वजह से तुम अभी तक लटके हुए हो, वरना अभी तक शादी हो जाती। चुपचाप जाओ और धीरे से ये सवाल करो, ठीक है? ध्यान रहे, आवाज़ ऊँची नहीं होनी चाहिए, नाक पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और आंखें टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। एकदम पोलाइटली डिसेंट अल्फा की तरह पूछो, जाओ। फिर आशु धीरे धीरे जाता है किचन की ओर और वो धीरे से लावन से पूछता है, लावन, क्या तुम आज मेरे साथ शॉपिंग चलोगे? लावन तो उसकी ओर ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वैसे देखना भी चाहिए, 1 साल से वह यहाँ पर कैद है और आज अचानक से जिसने कैद किया वही कह रहा है शॉपिंग पर ले जाएगा। बेचारे को ये शौक हजम करने के लिए थोड़ी तो देर लगेगी ना। फिर लावन कहता है, आप मुझे शॉपिंग क्यों ले जाना चाहते हैं? फिर जाओजिशु कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हारे ड्रेसेस पुराने हो गए ना, इसीलिए। फिर लावन कहता है, आपने 1 हफ्ते पहले ही मुझे ड्रेसेस लाकर दिए थे, फिर ये 1 ही हफ्ते में पुराने कैसे हो गए? फिर जाओजिशु कहता है, तुम चलोगे या नहीं? श्यांग भी साथ चलेगी, ये भाई भी चलेंगे, चलोगे ना? फिर लावन कहता है, ओके, जैसा आप कहें। फिर जाओजिशु खुश हो जाता है और बाहर आता है। फिर ये भाई इसे पूछता है, क्या हुआ? फिर जाओजिशु कहता है, हाँ वो मान गया। फिर ये भाई को थोड़ा डाउट होता है, वो पूछता है, बताओ ज़रा तुमने उसे क्या क्या कहा? जो मैंने कहा था वही सब कहा ना? फिर जाओजिशु कहता है, हाँ मैंने उसे कहा हम सब शॉपिंग चलेंगे, तुम भी चलोगे, श्यांग भी चलेगी। ये सुनकर ये भाई अपने फोरहेड पे थप्पड़ मार लेता है और कहता है, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या ही फ़ायदा हो सकता है, इस बेवकूफ़ को क्या कहा था और इसने क्या किया? फिर आशु से पूछता है, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर ये भाई कहता है, तुमने क्या किया है पता है? कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया है। आमतौर पे लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं ना, तुमने उल्टा ही कर दिया, अच्छी बात है। अब चलो और क्या कर सकते हैं, तो ठीक है, अब ले जा रहे हो तो मुझे शॉपिंग पे कराना ही पड़ेगा। फिर आशु कहता है, हाँ ठीक है करा दूंगा, पर क्या मैंने कोई गलती कर दी? फिर ये भाई कहता है, वो समझने के लिए भी दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है अब जाओ। फिर ये भाई मन ही मन कहता है, इतनी बात तो मैं श्याम को समझा था तो वो भी आराम से समझ जाती, पर ये जाओजिशु तो पता नहीं क्या ही है। फिर लावन सब के लिए लंच तैयार कर देता है, टेबल सजा देता है, सब लोग लंच कर रहे होते हैं और बड़े मज़े से ये भाई एक के बाद एक खाए ही जा रहा था। उसकी वजह से लावन को दोबारा खाना बनाना पड़ा और फिर से सामने देना पड़ा, वो भी ख़त्म। ये भाई हद से ज़्यादा खाना खाता है और बहुत तीखा खाता है। श्यांग तो बस हैरान होकर मुकबैंग एंजॉय कर रही थी। श्यांग को बहुत पसंद था मुकबैंग देखना और ऐसे लाइव मुकबैंग देखना तो उसे हद से ज़्यादा पसंद आ रहा था। वो खुद से ही ये भाई को प्लेट में सर्व किए जा रही थी, एक के बाद एक डिशेस वो दिए जा रही थी और ये भाई मज़े से खाया जा रहा था। और उधर जाओजिशु, उसका तो अभी तक एक बाव बन ही ख़त्म नहीं हुआ था, वो बस हैरान होकर ये भाई की ओर देखे जा रहा था कि ये भाई किस तरह खा रहा है, एक के बाद एक गप्पा गप। बेचारे के मुंह खुला का खुला था, बावन भी अभी तक मुंह में ही था और आधा हाथ में था, और लावन वो तो खाना बनाते बनाते थक ही गया तो वो बैठ गया और श्यांग की प्लेट में 2 बावन्स देकर कहा, अब इतना ही है खा लो। और आशु की ओर मुड़कर कहता है, जो हाथ में है वही खा लीजिए और कुछ नहीं है। फिर जाओजिशु जल्दी जल्दी हाथ वाला वो बावन कंप्लीट कर लेता है और ये भाई भी प्लेट में जितना कुछ था सब खा लेता है और कहता है, वाओ लावन, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो, अब से मैं यही रहूँगा। आशु, मैंने डिसाइड कर लिया है, तू अब तक कहता था ना कि मैं तेरे साथ ही रुकूँ, तो आज से मैंने डिसाइड कर लिया है मैं इसी घर में तेरे साथ रहूँगा।
भाई दिल खुश हो गया आज खाना खाके। फिर आशु कहता है, ऑफ कोर्स यू आर मोस्ट वेलकम। लावन मैं सोच रहा हूँ कल से क्यों ना मैं तुम्हारी कुकिंग में हेल्प करने के लिए कोई रख लूँ। फिर लावन कहता है, जैसा आप ठीक समझें सर। बेचारा बहुत थक गया था, वह खुद भी ये कहना चाहता था कि इतना खाना मुझसे नहीं बनाया जाएगा, पर इतने में जावजिश ने कह दिया था। खाना ख़त्म होने के बाद फिर सब लोग तैयार होते हैं शॉपिंग पर चलने के लिए। लावन भी अपना एक वाइट सा ट्रेडिशनल ड्रेस पहन लेता है जिसमें वो एकदम परी की तरह ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ही एलिगेंट ब्यूटीफुल और क्यूट सी। हमारा लावन तो है ही ब्यूटीफुल ओमेगा, पर वाइट ड्रेस उस पर खास कर सबसे ज़्यादा जचता है। जब वो सीढ़ियों से उतर रहा था, जाओ जिशु एक टक बस उसे घूरे जा रहा था। फिर ये भाई जाओ जिशु के पैर में ज़ोर से पैर मार देता है और जाओ जिशु आउच कहता है और कहा, ये क्या था। फिर ये भाई कहता है, क्या था क्या, बस हाँ करके देखते ही रहोगे या आगे बढ़ोगे, हाथ बात दोगे, जाओ। और बहुत ही पोलाइटली उसके साथ बिहेव करना, अगर अपनी सरा हुआ नाक दिखाया ना वो लाल वाला तो देख लेना तुम्हारा मैं क्या करता हूँ। बहुत ही पोलाइटली जाओ, अपना हाथ बढ़ाओ और उसे लेकर गाड़ी तक जाओ। और हाँ, गाड़ी का डोर खुद ओपन करना, ओके। फिर जाओ जिशु बिल्कुल वैसा ही करता है। लावन सीढ़ियों से उतरने से पहले ही वो अपना हाथ बढ़ा देता है और लावन हल्के से अपना हाथ उसके हाथों में दे देता है। फिर दोनों चलकर गाड़ी तक पहुंचते हैं। जाओ जिशु गाड़ी का डोर ओपन करता है और लावन को उसमें बिठा लेता है। लावन तो बहुत ही ज़्यादा हैरान था, पर उसे जो कराया जाए वो चुपचाप कर लेता है। फिर श्यांग और ये भाई भी पीछे की ओर बैठ गए थे और जाओ जिशु खुद ही कार ड्राइव कर रहा था। सब लोग शॉपिंग के लिए चल पड़े थे। और इसी के साथ हमारा फैन फिक्शन आज यहीं पे स्टॉप होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज।